अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जाप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख भेख कू कहना सकत किह अचल मूरत अनपहो प्रकाश अमितोज कह कोटे इंद्र इंद्राण साहि सहाण गणज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और नयाहि महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गई मथुरा जिन अमृत नाम पियो इह पद्धत ते मत चूके रे मन पेद बपेद न जान बियाओ परताश हृदय गुर अर्जन का हर पूरन ब्रह्म निवास लियाओ जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो प्रमति फिरते बहुतायाओ काल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हु मिट है नहीं रे पशुतायाओ तात विचार यह मथुरा जगतार नकाओ अवतार बनायाओ जपयाओ जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्व नहीं आयाओ तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश पीद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर कहा बुद्ध प्रभ तुष हमारी वरन सका महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
जिसको हर प्रभु मन चित आवे, सो संत सोहेला नहीं डुलावे। जिसको हर प्रभु मन चित आवे, सो संत सोहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरे। जैसा सा तैसा दुष्टाया, अपने कारज में आप समाया। सोदत सोधत सोदत सीझिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सुकम सोई असथूल। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सुकम सोई असथूल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वशल करुणा निदान, वालिए कुल आलम नूरे कायनात, चोजी प्रीतम पंथ के वाली अमृत के दाते। आपे गुर चेला नीले दे शाह असवार, शमशेर बहादुर पंथ दे वाली साहिबे कमाल, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज, सरबत जीवां दे उपर बेअंत कृपालता दयालता बख्शिशां रहमतां करदिया होया, आपने पावन सतजोगी तप अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे पावन सुख दे दर्शन दीदार मेले बख्शिश करके निहाल कृतार्थ कर रहे ने। वडभागी जना ने दूरों नेड़ियों चल के आ करके गुरचरणा विखे हाजरियां भर के पावन दर्शन दीदार करके पावन अमृतमई गुरबाणी नू पढ़ सरावण अते गायन करके लाहे प्राप्त कीते ने। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दे पावन सचखंड दरबार दी नित दी मर्यादा दे अनुसार वेला है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दी पावन अमृतमई गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार नू श्रवण करने दा। सरबत माई भाई गुरसिख संगतां गुरचरणा दा ध्यान धरदिया होया मनचित बिरतियां एकागर करके हर जस गुरबाणी दी कथा विचार राही श्रवण करके लाहे प्राप्त करने दा जतन करिए। रसना दी पवित्रता अते हिरदे दी एकागरता दे वास्ते सतगुरु साहिब जी दा बख्शिश कीता होया पावन नाम मुख चों उचारणा करिए जी। सतनाम श्री वाहि गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहि गुरु साहिब जी। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज, शहीदां दे सिरताज, शांति दे पुंज, गुरबाणी दे बुजस्मे, सरबत जीवां दे तारनहार, ब्रह्म ज्ञान दे सूरज, बख्शिशां दे सागर, सरबत जीवां दी कल्याण हित पावन अमृतमई सुखमनी साहब जी दी गुरबाणी राही उपदेश दी दात बख्शिश कर रहे ने। जो सतगुरां दे पावन बचन ने सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। ये जो पावन सुखमनी साहब जी की बाणी है ना, यह सुखां दी मणि है। सुख स्वरूप नाम दे नाल भरपूर है। अमृत स्वरूप वाहिगुरु जी का नाम इस दे अंदर धरिया होया है। अते इस पावन गुरबाणी का ते पावन गुरबाणी राही नाम का विश्राम भगत जना दे हिरदे दे विच हुंदा है। ऐसी नाम नू प्रकाशने वाली ते हिरदे दे अंदर निवास देने वाली सतगुरु जी की यह गुरबाणी है। 24,000 जिस दे सारे अखर ने ते दिन रात की संज्ञा करके प्राणी मात्र दे 24,000 स्वास ने। सुखमनी साहब जी का एक पाठ हर रोज किया जाए अथवा सरवण किया जाए तो रात दिन के सारे 24,000 स्वास जड़े ने सफले हो जाते हैं। ऐसी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अमृतमई गुरबाणी की दात बख्शिश करना की है।
चाहे लोक दे सुख ने, चाहे लोक दियां दाता ने, चाहे परलोक दे सुख ने, जेड़ी भी कोई भावना इच्छा रख करके इस पावन गुरबाणी का पाठ करता है, पढ़ता है ना, सतगुरु जी कृपालता करके तिस दियां सारियां भावनावां पूरियां कर देने ने। साध संगत जी, ऐसी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन गुरबाणी है, इस नूं चाहे कोई गुरमुख पढ़ लवे, मनमुख पढ़ लवे, अनमतिया पढ़ लवे, मनमतिया पढ़ लवे, किसे धर्म का पढ़ लवे, पर जेकर निश्चय रख के पढ़ ली तो सतगुरु जी कृपालता करके दातां दे नाल भंडारे भर देंदे ने। हिमाचल प्रदेश दे विच एक महात्मा सी जिस दे कोल बड़े लोग आया करदे, ते आ करके बेनती करनी, महात्मा जी साडा फलाना कार्ज अटकया होया, तुसीं कृपा करो साडा कार्ज हो जावे। तो महात्मा ने कह देना 40 दिनां दे विच तुहाडा जिहड़ा कार्ज आ संपन्न हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। एक दा कार्ज पूरा हो गया, दूसरा आ गया, दूसरे दा पूरा होया, तीसरा आ गया। इस प्रकार उसदे कोल आवाजाई लगी रहा करे, दुखीए अपने दुखां दी निवृत्ति वास्ते उसदे कोल आउंदे ही रहा करन। सारी जिंदगी लोकां दे कार्ज संवरदे रहे, इसे प्रकार महात्मा जी की संगत भी बड़ी रही। तो जिस वेले शरीर का अंत होने लगा ना, तो महात्मा के जिहड़े बेटे ने वो कोल आए, तो महात्मा ने कहना किया, पहला बेटिया ने कहना किया, पिता जी तुसी सारी जिंदगी लोकां दे कार्ज सवारे ने, साडे ते कृपा करो, साडे भी कार्ज संवरदे रहन। तुसी लोकां दे कार्ज संवारदे सी, बड़ी माया आउंदी सी, धन दे गफे आउंदे सी, सानू कदे कमाउण दा इत्यादिक साधन करने दा जतन करने दा कोई फिक्र नहीं होया, कदे चिंता नहीं होई। हुण तुसी शरीर छड्ड चले हो, साडी उपजीविका किवें चलेगी, साडा गुजारा किवें होवेगा, सानू भी कोई ऐसा मंत्र दस देवो, जिन्हां मंत्रां नूं पढ़ करके तुसी लोकां दे कार्ज संवारदे हो, कार्ज सिद्ध करदे हो, ते माया आउंदी है ना, वो मंत्र सानू भी दे दिओ, जिस दे नाल साडी भी पूजा प्रतिष्ठा बनी रवे, मान सन्मान बनिया रवे, तो उपजीविका की कोई चिंता ना रवे। तो फिर महात्मा ने इस वेले बचन करना कीता, जाओ पुत्रो फलाने जगह ते असाने मंत्रां वाली पोथी रखी है, उसनू लै करके आओ। तो साध संगत जी उस महात्मा दे बेटे उस मंत्रां वाली जो उसनू मंत्र करके पढ़दा सी जपदा सी पोथी लै करके आए। जदों खोल करके देखिया, प्रकाश करके देखिया, तो वह पोथी श्री सुखमनी साहब जी की पावन गुरबाणी दी सी। उस महात्मा ने कहना किया, जिहो जिहा दुखिया कोई दुख ला करके बेनती करने वास्ते आउंदा ना, उसे दे हिसाब दे नाल असी इस दे विचों एक शब्द लैंदे ते 40 दिन उसका जाप करिया करदे, जिस दे नाल साडी भी उपजीविका चलती रहिंदी। इसे प्रकार जेड़े बेनती ला करके आउंदे तिन्हां दे भी कार्ज सतगुरु जी की पावन गुरबाणी दे नाल सफले हो जाते ने। ते महात्मा जी ने कहना किया, भलिओ तुहानू ये पावन गुरबाणी दे मंत्रां दी ऐसी पोथी दे चले आ, ऐसा खजाना दे चले आ, पीढ़ी दर पीढ़ी जद तक चाहो इस नू खांदे खर्चदे रहोगे, कदे तोट नहीं आवेगी। ऐसी है ये पावन सुखमनी साहब जी की गुरबाणी, जिस नू पढ़ने दे नाल अपने भी ते होरां दे भी सारे कार्ज सिद्ध हो जाते ने। निश्चा सतगुरु जी के चरणों के उपर होना चाहिए। ऐसा किहड़ा कार्ज है जिहड़ा पावन गुरबाणी दे पढ़ने दे नाल नहीं संवरदा? सारे ही कार्ज संवरदे ने, सारियां दातां मिलदियां ने। मुरदे हुए मना दे विच आत्मा फूकी जांदी है, पर तख मुरदे भी सतगुरु जी दियां बख्शिशां प्राप्त करके जीवंदे हो उठे। ऐसी ये पावन अमृतमई गुरबाणी है। शरदा दे नाल, भावना दे नाल सतगुरु जी दे चरणां दे उपर निश्चा भरोसा धरने की जरूरत है। ऐसी पावन गुरबाणी दे राही जो लोक परलोक दे विच सुखां दी दाती है, लोक दे कष्टां नू कटण वाली है, सुख नू देण वाली है, ते परलोक दे विच हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे मुबारक चरणां दे विच निवास देने वाली है। ऐसी अमृतमई गुरबाणी दी लड़ीवार कथा विचार चल रही है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन उपदेश नू सरवण करना करिए जी। जिसका हर प्रभ मन चित आवे, जीव अपनी जिंदगी दे अंदर बहुत सफर करदा है, हर रोज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इस तो भी ज्यादा सफर इंसानां नू रोज करना पैंदा है, आपो अपनी उपजीविका दे मुताबिक।
इंसान बाहरला सफर हर रोज करता है, हफ्तिया बदी करता है, महीनिया बदी करता है, साल दे साल करता है, सारी जिंदगी करता है। पर जेड़ा शरीर तो आत्मा तक का सफर है, यह मनुख दे पासों नहीं हो पाता है। केवल ता केवल जेड़ा थोड़ा जिहा सफर है, जुबान दे उपर नाम का टिका हो, फिर अगली अवस्था बैखरी बाणी तो मधमा बाणी गले दे विच जाप। सारी जिंदगी इंसान जुबान दे नाल होर गल्लां ते बड़ियां बोलदा रहिंदा है, नाम नूं एकाग्र मन हो करके एकाग्र चित हो करके नहीं बोलदा। इस करके सारी जिंदगी जुबान तो गले तक दा, बैखरी बाणी तो मधमा बाणी तक दा ही सफर नहीं हो पाउंदा है। इसे प्रकार मन नूं ना टिकावणे करके बैखरी तक नहीं पहुंचदा। इसे प्रकार परा बाणी तक, पसंती बाणी तक, नाभी की अवस्था तक, हिरदे की नाम जपने की अवस्था तक नहीं पहुंचता है। बाहरी सफर बड़ा करता है पर अंतरीव सफर नहीं करता, बाहर नू बड़ा दौड़दा है पर अंदर नू ते जांदा ही नहीं। सतगुरु जी दे दर ते आके अरदासां कीतियां जांदियां ने, करवाइयां जांदियां ने, बाबा जी कोल महापुरखां कोल आके महापुरखो कृपा करो बाहर चले जाइए। वह बड़े विरले होंदे ने जेडे आकर के ये कहते हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू साडे अंदर भेज दियो, जेडे आकर के ये कहते हो महापुरखो साडे ते कृपालता करो सानू साडे अंदर भेज दियो, सानू साडे अंदरले दे नाल जोड़ दियो, वह बहुत घट हुंदे ने। जितना इंसान शरीर करके बाहर नू दौड़दा ना, उन्ना ही फिर अंदरला भी बाहर नू दौड़दा है। अंदरले तो भाव है मन, जिन्नियां दौड़ा शरीर करके आप लाउंदा उस तो लखां गुणा बहुतियां दौड़ा प्राणी का मन लाउंदा है। कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले, लोभी जियड़ा थिरना रहत है, चारे कुंडा पाले। जीव लोभी है, लोभी का मन कदे टिकदा नहीं, चारे कुंडा दे विच भज्जा ही फिरदा है, दौड़दा ही फिरदा है, बड़ियां दौड़ा लाउंदा है, देशां दे विच, प्रदेशां दे विच, विदेशां दे विच, खंडां दे विच, ब्रह्मंडां दे विच, मन करके जिहड़ा जीव है यह दौड़दा ही रहिंदा है। शरीर करके अपनी जॉब ते हाजिर होवेगा, ड्यूटी ते हाजिर होवेगा, पर मन करके उत्थे भी हाजिर नहीं। खिमा करना, ज्यादातर असीं शरीर करके गुरु की हजूरी दे विच भी हाजिरी भरदे समय मन करके गैर हाजिर हो जाने हैं, क्योंकि सानू दौड़दे रहने की आदत है। ये जिहड़ा मन है जन्मा जन्मांतरां दे पापां दी मैल लगने के कारण बहुता ही दौड़दा है, खिन खिन डोलदा है, कच्चे पारे वांगू डोलदा है, पिपल दे सिरे दी कुरुंबली वांगू सदा डोलदा भाव हिलदा ही रहिंदा है। तबला वजाउण वाले दीआं उंगलां वांगू बड़ा चंचल है, हाथी दे कन्नां दी न्याई बड़ा चंचल है, जिवें हाथी दे कन्न कदे ठहरदे नहीं ना, हाथी हिलाउंदा ही रहिंदा है। इसे प्रकार जिहड़ा मन है यह सदा हिलदा ही रहिंदा है, डोलदा ही रहिंदा है। दीवे दी लाट जिवें हिलदी रहिंदी है, इवें मन डोलदा ही रहिंदा है, हिलदा ही रहिंदा है, नहीं टिकदा। कशु कुमे दी सरी वांगू यह जिहड़ा मन है यह बड़ा चंचल है, एक जगह ते नहीं टिकदा है। भूतने दीवे वांगू यह जिहड़ा मन है नहीं टिकदा है, बड़ा चंचल है। यह सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी की कृपालता तो बिना यह जिहड़ा मन है कदे भी टिकदा नहीं, वस दे विच नहीं आउंदा है। सतगुरु जी दे पास बेनती, सतगुरु सच्चे पातशाह जी असीं ऐसे जीव हाँ शरीर करके टिक भी जाइए तो मन करके सदा डोलदे ही रहिंदे हाँ। महाराज यह जिहड़ा मन डोलदा ही रहिंदा है, कदे पापा दे भय नूं धारण करके कंब जांदा है यह मन, कदे इसे प्रकार विकारियां दी संगत हो जावे ते विकारां वल नूं डोलदा भरमदा है मन, कदे इसे प्रकार बुरियां दी संगत हो जावे बुरियाईयां वल नूं डोलदा है भटकदा है यह मन। महाराज यह जिहड़ा मन है कदे टिकदा नहीं, हर वेले डोलदा रहिंदा है। यह मन टिक किवें आ जावे, टिकाओ दे विच किवें आ जावे, ठहर के जिवें जावे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कोई ऐसा भी प्राणी है जिस दा मन टिक जांदा होवे, कोई ऐसा भी जीव है जिस दा मन कदे डोलदा ना होवे, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बचन करना करदे ने भाई बेअंत ने, जिन्हां दा मन नहीं टिकदा वह भी असंखां दी गिणती दे विच ने, पर जिन्हां दा टिक जांदा है हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे दर ते उन्हां दी गिणती भी बेशुमार है। असंख जाप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताओ, असंखा ही जपदे करन वाले ने, असंखा ही प्रेम नूं धारण करन वाले ने, असंखा ही पूजा करन वाले ने, असंखा ही तप नूं तपाउण वाले ने, असंखा ही इस प्रकार जिहड़े प्रेमा भगती वाले ने ना, जिस कहो हर प्रभ मन चित आवै, जिस दे मन अंतह करन दे विच
हर वेले हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम चित भाव याद आता है। अपने अंतशकरण दे विचों कदे भी हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम नूं नहीं भुलाउंदा है। चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चतार दे वचना दे अनुसार मुखों भी सदा वाहिगुरु 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 जपदा रहिंदा है। ते हिरदे दी प्यार दी भावना दे नाल वाहिगुरु जी दे सिमरन विच जुड़िया होया सदा उचारदा है सतनाम श्री वाहिगुरु। जिस दे अंतःकरण दे विच अथवा अंतशकरण दे विच हर वेले हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम याद रहिंदा है। जिस कहो हर प्रभ मन चित आवे, मन जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी सारिया दे नालों सर्व श्रोमणी है, जिसका वाहिगुरु गुरमंत्र सारिया दे नालों सर्व श्रोमणी है। साध संगत जी, दरिया के उपर जितनिया भी बेड़िया होन दरिया तो पारण दे पार करने के सारे समर्थ हुंदियां ने, पर जिस दी वारी पहला होवे उसते सवार हो जाइए तो फिर पहला पार उतर जाइदा। वाहिगुरु जी दे बेअंत नाम ने, किरतम नाम कथे तेरे जिहबा, सत नाम तेरा परा पूरबला, सारे ही नाम तारण दे समर्थ ने। पर एक कलयुग का समा है, ते कलयुग दे समय दे अंदर सतगुरु जी का बख्शिश किया होया गुरमंत्र वाहिगुरु नाम है। वाहिगुरु नाम की वारी है जीवां नूं तारण दी। इस करके जिहड़ा वाहिगुरु गुरमंत्र नूं सिमरदा है वह सारिआं दे नालों छेती सुखाला सहजे सुभावक ही पहला पार हो जाता है। हजूर फरमावना करते ने, जिस दा गुरमंत्र वाहिगुरु सारिआं दे नालों मन सर्व श्रोमणी है, सारिआं दे नालों बहुते वड्डे महात्म वाला है, सारिआं दे नालों ज्यादा सुखदाता है, ऐसे चेतन स्वरूप वाहिगुरु जी का नाम जिन्हां दे हर वेले चित दे विच याद रहिंदा है, कदे मन दे विचों भुलदा नहीं है। सो संत सुहेला नहीं डुलावे, वाहिगुरु गुरमंत्र नाम नूं जपणे दे नाल वाहिगुरु जी दी सहत प्यार दे बंदगी करने दे नाल सो संत उह संत अवस्था नूं प्राप्त कर लैंदा है। संत तो भाव हुंदा है शांत आत्मा, जिस दा मन टिकाओ दे विच होवे, जिस दे मन दीआं सुरतियां बिरतियां कदे खिंडाओ वाले पक्ष विच ना जाण, जिहड़ा सदा अंतर बिरति अंतर मुख बिरति नूं धारण करके रखे, बाहर मुख बिरति दा जिसने त्याग कीता होवे। इसे प्रकार साध संगत जी, संत सत्से टिप्पी तत्ता संत, ते व्याकरण दे अनुसार टिप्पी दे विचों नन्ने दी आवाज आउंदी है ते पाठ बनेगा सनत सस्सा नन्ना तत्ता। जदों व्याकरण अनुसार टिप्पी चो नन्ने दी आवाज लैणा करिए, सस्से तो भाव है सिमरन, जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। उठत बैठत हर वेले हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम नूं ही चितारता है। इस प्रकार मार्ग दे उपर चलदिआं होइआं वी, मार्ग चलत हरे हर गाइआ ऐसा जिसदा निजम है, चलदिआं बैठदिआं सौंदिआं जागदिआं छकदिआं छकाउंदिआं शरीर इत्यादि करी सारी उपजीविका करदिआं वी कदे वाहिगुरु जी दा सिमरन जिस नूं भुलदा नहीं, इह संत दा पहला गुण है। इसे प्रकार दूसरा अखर है नन्ना, ते नन्ने तो भाव है निम्रता, सेवा करदिआं बंदगी करदिआं प्रेमा भगती करदिआं परउपकार दा कार्ज करदिआं दसवंध कढदिआं गरीब गुरबे दी सेवा करदिआं गुरु दे दर दा चाकरो करे कि कदे हंकार ना करे कि मैं सिमरन करदा हाँ मैं दान करदा हाँ, कदे हंकार नहीं करना, सदा निम्रता भाव दे विच रहना। तेरा तुझको सौंपते क्या लागा मेरा, गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी आप परम कृपालू हो जो कृपालता करके इस नाचीज दास दे पासों सेवा ला रहे हो। महाराज आप वड़ियां बख्शिशां वाले बख्शेंद हो, आप जी दी बख्शिश तो बिना तो हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। महाराज असी साध संगत दे चरणा दे हेठां रुलदे फिरन वाले कीड़े सां, आप जी ने कृपालता करके इस शरीर तो अपनी सेवा लै लैना कीती है, महाराज रहिंदे सुआस आप जी दी सेवा करदिआं ही बतीत होण। इस प्रकार निम्रता नूं धारण करके रखना ते कदे भी हंकार दे सहत बोल अथवा कबोल नहीं बोलना, यह दूसरा गुण है। ते तीसरा अखर है संत दा तत्ता, ते तत्ते तो भाव है त्याग। जिसने विकारां दा त्याग कीता होवे हौमै दा त्याग कीता होवे, इसे प्रकार साध संगत जी त्याग दा भी त्याग कीता होवे। जे विकार त्यागे ने ते हंकार नहीं करना कि मैं विकारां तो रहता, नहीं त्याग भावना का भी त्याग किया हो। सिमरन
निम्रता त्याग तीन चीजा दे मिलाप दे नाल बनदा है संत। ते पातशाह जी फरमान करना करदे ने जिन्हां दे अंतशकरण दे विच सदा हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा नाम चित विच याद रहिंदा है ना, सो संत। ओ वाहिगुरु जी दे नाम नूं जप करके संत अवस्था वाला हो जांदा है, ओ शांत आत्मा वाला हो जांदा है। तिस दा मन फिर खंडाओ वाले पासे नहीं जांदा, टिकाएमान हो जांदा, मन तिस दा टिक जांदा है, सुहेला ओ सुखी हो जांदा है। जदों तक मन टिकदा नहीं उदों तक दुख है। चाहे राज भाग प्राप्त क्यों ना कर लवे, पातशाह जी ते फरमान करना करदे ने कि जे सारी सृष्टि दा राज भी प्राप्त कर लवे ते तां वी मन करके, मन दी भुख करके, मन दी तृष्णा करके तृष्णालू पुरख जिहड़ा है वह सदा दुखी ही रहिंदा है। सारी सृष्टि दा राज प्राप्त करके भी सगल सृष्ट को राजा दुखिया, सारी सृष्टि दा राजा हो जावे पर मन नू संतोख नहीं आया तां वी दुखी ही रहिंदा है, मन कड़पदा ही रहिंदा है, मन पदार्थां वल दौड़दा है, पदार्थ सारे मिल के होर पदार्थां वल दौड़दा है, रूप वल दौड़दा है, धन वल दौड़दा है, मन भुखा होण दे कारण दुखिया रहिंदा, सुख नहीं पाउंदा है। सुखिया किवें हुंदा जी? हर का नाम जपत होए सुखिया। जदों हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम नू जपदा है फिर सुखिया हो जांदा है। हजूर जी फरमान करना करते ने संत अवस्था नू प्राप्त कर लैंदा नाम नू जप करके फिर सुहेला हो जांदा है, सुखिया हो जांदा है। जिहड़ा मन है टिकाओ दे विच आ जांदा है फिर नहीं डोलावै, उसका जिहड़ा मन है ना कदे डोलदा नहीं, रूप नू देख करके डोलदा नहीं, धन नू देख करके डोलदा नहीं, संसार दे रंग तमाशे देख करके डोलदा नहीं। शरीर दे उपर दुख आ जावे, विपता आ जावे, कष्ट आ जावे, पीड़ा आ जावे तां वी तिसदा मन डोलदा नहीं। पदार्थां दा अभाव हो जावे, कोई नुकसान हो जावे तां वी तिसदा मन डोलदा नहीं। वाहिगुरु जी दीआं दातां सन, वाहिगुरु जी ने दित्तियां, जितना समा वाहिगुरु जी नूं पाया इन्हां पदार्थां दा सुख माणिया, परालब दे अनुसार पदार्थ चले गए वाहिगुरु जी दा पाणा। जेकर इसे प्रकार कष्ट दुख भुख दे दुख भी सहने पै जाण तां वी शुकराने दे विच जुड़दे अरदास ही करदे ने, केतिया दुख भूख सद मार। किन्नियां नूं दुख दी ते भुख दी सदा मार पैंदी रहिंदी ऐ, इह पहदात तेरी दातार, हे दातार इह दुख ते भुख भी तेरियां ही दातां ने। इस प्रकार जे किधरे कष्ट आ जावे, विघन आ जावे, दुख आ जावे, भुख आ जावे तां वी वाहिगुरु जी दे सदा अरदास दे विच ही जुड़े रहिंदे ने, तां वी दुखी हो करके ताने नहीं मारदे, वाहिगुरु जी नूं उलांभे नहीं देंदे। क्यों नहीं देंदे? क्योंकि मन सुखाला हो गया है, मन सुखिया हो गया है। अमृत नाम ने हिरदे दे अंदरों तपश नूं मेट देना कीता है, हिरदे दे अंदर ठंड वरता दित्ती है, हिरदा ठंडा ठार हो गया है, शीतल हो गया है, हिरदे करके सुखी हो गया है। इस करके जदों वाहिगुरु जी दे उपर निर्भर हो गया, वाहिगुरु जी नूं करता मन लिया फिर नहीं डुलावै, मन जिहड़ा है कदे डुलदा नहीं, फिर मन टिकाओ दे विच आ जांदा है। साध संगत जी ये अवस्था बनती है जदों कृपा हो जाए, मन वस आवै नानका जे पूरन कृपा होए, अपने जतना दे नाल नहीं, अपनियां सियाणपां दे नाल भी नहीं, अपने दान अते तप दे जोर दे नाल भी नहीं, पूरे सतगुरु जी कृपालता कर देण, मेहर कर देण ते सतगुरु जी दी अनुकंपा दे नाल इह जिहड़ा मन है टिक जांदा है। हजूर फरमावणा करदे हन, हे भाई जिन्हां नूं अपने अंतशकरण दे अंदर सदा वाहिगुरु जी दा नाम चेते आउंदा है, चित दे विच सदा वाहिगुरु जी दा नाम याद रहिंदा है, अपने चित नूं सदा वाहिगुरु जी दे नाम दे नाल जोड़ करके रखदे हन, तिन्हां दी आत्मा सुखी हो जांदी है, संत अवस्था शीतल मन वाले हो जांदे ने, शांत आत्मा वाले हो जांदे ने, वह सुखी हो जांदे ने, फिर नहीं डुलावै, मन उन्हां दा कदे भी डोलदा नहीं, मन तिन्हां दा स्थिर हो जांदा है। ते साध संगत जी मन नूं टिकाउण दी जुगती सब तों वड्डी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दसी है, साध संगत। सत संगत साध पाई वडभागी, मन चलताओ भयो अरूड़ा। जिस वेले वड्या भागां दे नाल पूरन साधु दी बख्शिश दे नाल सत संगत दी प्राप्ति होई, अथवा पूरे सतगुरु जी दी बख्शिश दे नाल सत संगत दी प्राप्ति होई, सत संगत दे विच बैठ करके वाहिगुरु जी दे नाम दा सिमरन करना कीता, जपना कीता, सतनाम श्री वाहिगुरु, ते साध संगत जी फिर सुभाव की जिहड़ा मन है ना वो टिकाओ दे विच आ जांदा है।
ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰੂੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਤਾ ਉਹ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਟਿਕਾਏ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ ਤੇ 10 ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਹੇਲਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਤਿਸ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ, ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਡਰ ਹੂਆ ਡਰ ਉਰ ਹੋਏ ਭਾਗਾ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਭੀੜਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੱਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 48 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ, ਅਰਥ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੋ ਚਲਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ? ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਹਰਾ ਹੈਦਰੀ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਮ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਖੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਈ ਏ, ਆ ਕਰਕੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਏ, ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਵਰਧਾਰੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਵਰਧਾਰੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ,
देवी देवते भी मेरे काल दे अधीन ने, मौत दे अधीन ने। ते अर्जुन महाबली सूरमा होया, पुत्र दी मौत होण ते ए प्रण कीता सी जे कल शाम तक अपने पुत्र दी मौत दा बदला ना लै सकिया ते जान दे देवांगा, अग्नि समाधि लै लवांगा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਿਆ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਪੁਰਖ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਦੀ ਲਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਣੀਏ। ਇਹ ਧਰਵਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਡੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਹੋਣੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਫੜ ਜੰਮ ਲੰਘਾ ਦਈਏ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਨਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਡਕੇ, ਹੋਣੀਏ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਦੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਡਰਾ ਸਕਿਆ? ਕਿਤਨੀ ਗਿਲਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸੀਸ ਵੀ ਧੜਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਲਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਚੌਦਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰ ਔਰ ਹੋਏ ਭਾਗਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ, ਮਨ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਲੰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਪੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਮ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਰੋਮ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਖਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੜਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਖਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਸਤ ਸਾਧਿਸ਼ਟਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਡੋਲ ਅਹਿਲ ਅਕਟ ਅਥਾਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
कि जिहड़ा वाहिगुरु है इस नूं नेत्रां दे नाल देखिया नहीं जांदा। भाई चमड़े दे नेत्रां दे नाल अपने बल बुद्धि सियाणप दे नाल नहीं देखिया जांदा, सच है, पर जदों पूरे सतगुरु जी की बख्शिश हो जाती है तो फिर प्रतख नेत्रां दे नाल भी देखिया जांदा है। मिले प्रतख गुसाइया धन्ना वडभागा, भगत धन्ना जी नूं प्रतख मिले ना, प्रहलाद जी की रक्षा करने वास्ते थंम दे विचों प्रतख प्रगट हो गए ना, जदों पूर्ण बख्शिश हो जाती है फिर प्रतख भी दीदार होंदे ने। जैसा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु दया दा सागर है तैसा ही उन्होंने डिठा है, देखिया है, अपने अंग संग डिठा है। ते जदों ऐसे वाहिगुरु जी नूं अपने अंग संग देखिया होवे कि वाहिगुरु जी गुर मेरा संग सदा है नाले सदा अंग संगे, सदा ही अंग शरीर दे नाल वसदा वाहिगुरु, फिर कित्थे डर आउंदा दुश्मना इत्यादिकां दा, फिर जम बपड़े कौन ने जिहड़े आ करके जीव नूं डरा जेण। जिहो जिहा वाहिगुरु वैराट स्वरूप बख्शिशां दा खजाना दया दा सागर है तैसा ही तिन्हां नूं दृष्टि आया है। अपने कारज में आप समाया, सो तिन्हां ने तकना कीता है जो अपना परमेश्वर वाहिगुरु जी दा कारज रूप ए संसार है ना, उस संसार रूपी कारज दे विच वाहिगुरु आप ही समाया होया है। जिस प्रकार साध संगत जी सोने दे गहने ने, गहने दे आकार ते वख वख ने, उस सोने दा कड़ा हो सकता है, झुमके हो सकते ने, कंठा हो सकता है, हार हो सकता है, चैनी हो सकती है, बेअंत प्रकार दे शाला छपे शो जो के छापा ते छले हो सकते ने, बेअंत गहने हो सकते ने। गहनिया दा प्रकार बेअंत होवेगा पर मूल रूप दे विच सोना है ते सोना एक ही है। जिस वेले छाप नूं तोलिया जावे, कड़े नूं तोलिया जावे, मुल सोने दा पैंदा है, उस दे आकार दा नहीं पैंदा। कोई पंडित जी सन, तिन्हां दे पास एक गणेश जी की छोटी जी मूर्ति है, इसे प्रकार चूहे की मूर्ति है। तो साध संगत जी जिहड़ी असवारी हमेशा वड्डी होया करदी है, बंदा घोड़े ते असवारी करदा ते घोड़ा वड्डा है, मनुख गड्डी ते असवारी करदा गड्डी वड्डी है, ट्रेन ते असवारी करदा ट्रेन वड्डी है, जहाज ते असवारी करदा ते जहाज वड्डा है, मनुख शरीर आकार करके वड्डा नहीं। इसे प्रकार पंडित जी ने विचारना कीता कि असवारी हमेशा वड्डी हुंदी, मैं चूहा वड्डा बनवा लवां, बनवा लिया, पर समा कदे ऐसा बन आया पैसे की लोड़ पै गई, तो कहण लगा मैं सोना थोड़ा जिहा वेच लैंदा। सुनियार दे कोल चले गया, गणेश जी की मूर्ति भी लै गया, चूहा भी लै गया, जा करके पुछना कीता जी मैं गणेश जी नूं जेकर वेच देवां कितनी माया मिलेगी, दसे जी इतनी मिलेगी। फिर पुछया जेकर मैं भगवान जी नूं रख लवां चूहा वेच दियां, ते सुनार ने चूहे दा मुल वध पाया क्योंकि जिहड़ा चूहा है आकार दे विच वड्डा बनाया होया है, इसकी मूर्त वड्डी है। ते पंडित हैरान हो गया, कहण लगा जी भगवान दा मुल ते थोड़ा पाया है ते चूहे दा मुल तुसां बहुता पा दिता है। सुनार कहण लगा ए चूहा ते भगवान तेरी नजर च होवेगा, ए गणेश तेरी नजर च होवेगा, चूहा तेरी नजर च होवेगा, मेरी नजर च ए सोना ही है, मैं ना गणेश दा मुल पाया ना मैं चूहे दा मुल पाया, मैं ते सोने दा मुल पाया है। सारे गहनिया दे विच सोना है, गहने केवल तां केवल कल्पना मात्र ने, जितने मिट्टी दे भांडे ने ना मूल रूप दे विच ओ मिट्टी ही है, भांडे दा आकार केवल तां केवल कल्पना मात्र है। इसे प्रकार साध संगत जी पानी दे उपर जितनियां लहरां ने मूल रूप दे विच ओ पानी ही है, जल ही है, लहरां केवल तां केवल कल्पना मात्र ने। इसे प्रकार संसार रूपी सागर दे अंदर शरीरां रूपी लहरां कल्पना मात्र ही ने, मूल रूप दे विच निरंकार वाहिगुरु आप ही है, चेतन सत्ता होने करके, जोत होने करके, जो सबना दा अधिष्ठान रूप होने करके। ते पातशाह जी फरमावना करदे ने यह सारा जगत संसार हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा अपना कारज है, ते वाहिगुरु अपने कारज दे अंदर जगत दे अंदर संसार दे अंदर आप समाया होया है। ते जैसा वाहिगुरु निर्गुण ब्रह्म करके सारे कारज रूप संसार विच समाया है, जल थल मही अल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। उन्हां वाहिगुरु जी दे प्यारिया नूं शेर दे अंदर भी वह वाहिगुरु ही नजर आउंदा है, हाथी दे अंदर भी वह वाहिगुरु ही नजर आउंदा है, कीड़ी दे अंदर भी वह वाहिगुरु ही नजर आउंदा है, मनुख दे अंदर भी वह वाहिगुरु ही नजर आउंदा है, सप दे अंदर भी वाहिगुरु ही नजर आउंदा है, सबने अंदर उसे नूं देखदे ने। ते जदों भावना उसे दी बन जाती है ना, फिर वह जीव दे अंदर जिहड़ी जोत हुंदी है फिर उहो जिहा ही अगों व्यवहार करदी है, फिर वैर भावना भी नहीं करदी। साध संगत जी संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, जिस वेले सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कृपालता करके स्वप्न दर्शन बख्शे,
ते सुपने दे विच दर्शन दे करके कहना कीता हरनाम सिंघा असी अपनियां फौजां दे समेत सिखां दे समेत इत्थे पड़ा कीता सी, ये साडा स्थान है इत्थे गुर अस्थान बना। ते साध संगत जी थे वर्गा स्थान सी, उजाड़ वर्गा स्थान सी, छोटी जी पहाड़ी सी, उत्थे बिशू सप ठूहे इत्यादिक बड़े जहरीले जीव होया करते सन। तो महापुरखां दे पास इर्द गिर्द जीवां ने फिरना, तो महापुरखां ने कदे किसी जीव नूं मारिया नहीं सी। संगतां ने आउणा डरना किधरे जहरीला जीव लड़ना जावे, फिर संगतां दे भले दे हित महापुरखां ने एक कुजा रख लिया मिट्टी का, तो उपर मिट्टी की ही चपणी दे करके रखनी। जदों कोई सपोलिया निकल आना, छोटा मोटा सप आ जाना, ठूआ बिशू आ जाना, चिमटे दे नाल पकड़ करके उस कुजे दे विच पा देना, चपणी दे नाल ढक देना। शाम तक जितने जीव आई जाने सारे इकट्ठे करी जाने, ते शाम दे समय ते जा करके दूर छड के आने, किसी नूं मारिया नहीं सन करदे, भावे के जीव जहरीले ने, पर यह वाहिगुरु जी का कारज है, वाहिगुरु जी की रचना है। वाहिगुरु तेरी सब रचना, यह सारी रचना तेरी अपनी ही है, सारी रचना दे विच तू आप ही समाया होया है। इस प्रकार जैसा सा जिहो जिहा अकाल पुरख वाहिगुरु है, निर्गुण हो करके सबना दे विच समाया है, तिन्हां ने तैसा ही तिस नूं सबना दे अंदर वसिया देखना कीता है। जैसा दिष्ठान रूप हो करके सबना दे अंदर वसिया है, सबना दा आसरा स्वरूप उसे नूं देखिया है। शरीर दे अंदर आसरा स्वरूप वो आप है, नहीं तां शरीर दे विचारा मिट्टी है, ते मिट्टी दा बुत भी कदे तुरिया करदा है? मिट्टी दे पत्थरां दे अनेका बुत नित घड़े जांदे ने, स्थापित कीते जांदे ने, कदे बुत भी तुरिया है? इसे प्रकार इस शरीर नूं मिट्टी दा पुतला भी आखिया है, मिट्टी दी पुड़ी भी आखी है, कदे पुड़ियां भी तुरिया करदियां ने, कदे बुत भी तुरिया करदे ने। यह शरीर रूपी बुत क्यों तुरदे ने? क्योंकि वाहिगुरु जी अंदर अधिष्ठान रूप ने, आसरा रूप ने। ते जदों वाहिगुरु जी अपनी जोत खिच लैंदे ने, फिर शरीर ते उही हुंदा है, पर अखां तकदियां नहीं, कन्न सुणदे नहीं, जुबान बोलदी नहीं, हथ कम नहीं करदे, पैर अपने शरीर के भार नूं नहीं चुकदे, फिर कहिंदे जी मर गया है, मुरदा हो गया है। इस प्रकार जैसा सा जैसा अधिष्ठान रूप चेतन सत्ता रूप साखी रूप वाहिगुरु जी है, तैसा दृष्टाया वाहिगुरु जी दे प्यारिया ने तैसा ही तिसदा स्वरूप सबना दे अंदर आसरा रूप तकना कीता है, देखना कीता है जी। अपने कारज में आप समाया, ते वाहिगुरु दे प्यारिया ने देखिया है अपने कारज रूपी संसार दे अंदर वाहिगुरु आप ही समाया होया है, आप ही वसया होया है, आत्मा रूप हो करके जर्रे जर्रे दे अंदर, पत्ते पत्ते दे अंदर, किनके किनके दे अंदर निर्गुण रूप हो करके आप ही समाया होया है। सोधत 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 सीजिया, सोधत वेदा द्वारा, चार वेदा द्वारा भी तिसनु सोधत विचारिया है, सोधत शेष शास्त्रा द्वारा भी तिसनु सोधत विचारिया है, सताई सिमरतिया दे द्वारा भी तिसनु सोधत विचारिया है। ऐसे प्रकार जो वाहिगुरु जी का नाम है तिसनू सोधत रसना करके भी सोधत जपिया है, विचारना कीता है, बोल करके तिसदे नाम दी विचार कीती है, सोधत हिरदे करके भी तिसदे नाम नू विचारिया है। ऐसे प्रकार सोधत आत्मा दे प्यार करके अथवा मन दे प्यार करके भी तिसनू विचारिया है, ते जिस वेले तिसदे नाम नू विचारिया, जेड़ा सोधत पहले लंघ चुके समय दे विच भी मौजूद सदा सच सी, आसरा रूप सी, मौजूदा समय दे अंदर भी तिसनू सोधत विचारिया है, ओही सबना दा आसरा ते दाता रूप है। आउण वाले समय दे विच भी तिसनू सोधत विचारिया है, ओही सत स्वरूप साखी चेतन रूप सबना दा दाता रूप होवेगा। तिन्ना कालां दे अंदर जो त्रेई काल आबाद सच स्वरूप है, जिस वेले सीजिया तिसनू विचारना कीता ते गुर बख्शिश द्वारा तिसनू समझना कीता है। प्यारियो उसनू मन बुद्धि दे जोर बल दे नाल नहीं समझिया जांदा। आद समय दे विच भी सोधत जिसने विचारिया है गुर शब्द द्वारा विचारिया है, मौजूदा समय दे विच भी जिन्हां ने विचारिया गुर शब्द द्वारा भी ही विचार रहे ने, आउण वाले समय दे अंदर भी गुर शब्द द्वारा विचार करके ही सीजिया समझिया जाएगा। ये जिहड़ा मन है ना विकारां वल दौड़दा, कदे श्रेष्ठ मत नूं नहीं समझदा है, श्रेष्ठ गुणा नूं नहीं समझदा, श्रेष्ठ कर्तव्य इसकी समझ विच नहीं आउंदे, इसे प्रकार बुरे प्रभाव नूं छेती मन लैंदा है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बचन करना करदे ने, जिन्हां ने भी आदि समय तों लै करके मन नूं सीजिया है, समझाया है, इसे प्रकार समझिया है वाहिगुरु जी दे गुरमंत्र द्वारा ही समझिया है,
नाम द्वारा ही समझिया है, जिन्हां महात्मा ने तन करके मन करके इसे प्रकार शरीर करके तिस दे नाम दे सिमरन अभ्यास नूं करदिआं विचार करना कीती है, सीजिया उन्हां दा ही मन समझिया है, उन्होंने ही सीजा वाहेगुरु जी के पर उपकार समझिया है, उन्होंने ही वाहेगुरु जी के गुणा समझिया है, बाकियां नूं समझ नहीं आती। नास्तक बंदा सी ना जी, मैं जान ही दे देनी, मर ही जाना, मैनू रब ने दिता ही की है। पहाड़ ते चढ़ गया, पहाड़ ते महात्मा बैठे सन, पुछया भाई क्यों मरदा, जान क्यों देन लगा, कहिंदा मैनू रब ने की दिता। महात्मा कहिंदे रब दा नाम जप जिसने जन्म दिता है, शरीर दिता है, कहिंदा जी मैनू कुछ नहीं दिता, ढिडो भुखा हाँ, पैसा धन मेरे कोल नहीं, मैं जीव के की लैणा। ते महाराज दे उपर श्रद्धा रखण वाले महात्मा कहण लगे, भाई मरना ते तू है ही है, जे तू मर गया ते तेरा सारा शरीर सड़ जाना, किसे काम नहीं आना, तेरे कोल माया नहीं, तां मरन लगा ना। कहिंदा जी तां मरन लगा। ते महात्मा जी कहण लगे, फिर ठीक है, मूहों मंगी माया तेनू दे देने, साडा एक कार्ज कर दे। खुश हो गया, जे मूहों मंगी माया मिल जावे फिर मरण की लोड़ है। महात्मा जी कहण लगे, चल साडे नाल, बहुत वड्डे शाहूकार दे कोल लै गए, जिहड़ा अखां तों अन्ना सी, मुनाखा बैठा सी। कहण लगे, जी इसनू अखां दी लोड़ है, अपनियां अखां इसनू दान दे दे, शाहूकार तेनू बहुत पैसे देवेगा। शाहूकार खुश हो गया, कहण लगा ठीक है, जिन्ने पैसे मूहों मंग लवेगा उन्ने, जिन्ने लख जिन्ने करोड़ मूहों कह देवे उन्ने दे देवां, बस अपनियां अखां दे दे। ते कहण लगा, कमले हो गए हो, जिउंदे जी अपनियां अखां कौन दिया करदा, मैं अखां ही दे दित्तियां ते करोड़ां रुपये मेरे किहड़े कम ने। ते महात्मा जी कहण लगे, फिर समझ आई, एक अखां ही इन्नियां कीमती ने जो करोड़ां रुपईआं दे नाल खरीदियां नहीं जा सकदियां। जिस शरीर दा एक एक अंग इन्ना कीमती है, करोड़ां रुपईआं दे नाल ओरिजिनल अंग खरीदिया नहीं जा सकता। बनावटी जितने मर्जी बना ले जान, पर जो परमात्मा ने बना दिता, वह परमात्मा ने बनाया, दूसरा कोई नहीं बना सकता। डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर कितना भी जोर ला लैन, एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी दे विच जोड़ पा दिता जाए, चमड़ी फट जाए, सी दिती जाए, तो डॉक्टर भी कह देंदे ने पहला वर्गी तो नहीं बनेगी पर काम चल जाएगा, लत पहला वर्गी तो नहीं बनेगी पर तुरिया फिरेगा। जो रब ने बना दिता उसे ने बनाया, कोई दूजा नहीं बना सकता, उस दे वर्गी रचना कोई होर नहीं कर सकता। सो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी फरमावना करते ने, भाई ऐसा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु अपने कार्ज दे विच आप समाया होया है, सारियां दा आसरा स्वरूप है, जिन्हां ने भी समझिया है गुर शब्द दी विचार दे द्वारा समझिया है, जे शरीर दे मुल नूं समझिया ते गुर शब्द दी विचार द्वारा कि ये जिहड़ा शरीर बड़ा कीमती है, बार बार नहीं मिलता है, इस देही को सिमर है देव, देवते तरस दे ने, मानस देही मिल जावे, गुरसिखी नूं धारण कर लईए, अमृत छक के गुरबाणी पढ़ के मुक्त हो जाइए, पर देही नहीं मिलती। जिन्हां ने नाम नूं समझिया है गुर शब्द दी विचार द्वारा ही समझिया है, नहीं तो दुनिया के जिहड़े लोग ने कीमत नूं नहीं समझते। परमात्मा जी का नाम भी अमुल है, धर्म भी अमुल है, गुण भी अमुल ने, विचार भी अमुल ने, अमुल गुण अमुल व्यापार पढ़ते हो ना हर रोज। वाहिगुरु जी के गुण अमुल ने, वाहिगुरु जी के नाम का व्यापार भी अमुल है, बेशकीमता है, कीमत तय भी नहीं की जा सकती, कीमत तार देनी ते पे कर देनी ते बड़ी दूर की गल है, तय भी नहीं की जा सकती। पर संसारी बिरती वाला मनुख यह नहीं सोचता कि जे नाम जप लवेंगे तो लाभ कितना होगा, कहिंदा जिहड़ा घंटा दो घंटे नाम जपना बाणी पढ़नी जे काम कर लिए तो मैं कितना काम नबेड़ लेना है, किन्ने काम मुका लेने ने। जे को नाम जप ला कहिंदा रब किहड़ा किते चलिया, इत्थे ही है, जदों मर्जी याद कर लांगे, काम का नुकसान ना हो जाए। हजूर फरमावना करते ने, भाई जिन्हां ने विचारिया सियाणपां दे नाल चतराइयां दे नाल समझ नहीं आया, सीजिया जिन्हां ने वाहिगुरु जी नूं समझिया है गुर शब्द दी विचार द्वारा ही समझिया, पहले समय विच भी, मौजूदा समय विच भी, आउण वाले समय दे विच भी, तिन्ना कालां दे विच। इसे प्रकार हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम नूं जिन्हां ने जपिया ना, मन करके, बाणी करके, शरीर करके सीजिया, उन्हां दा ही मन समझिया है। नहीं तो जिहड़ा मन है अत्यंत चंचल हो करके सदा भटकता रहिंदा, सदा बाहर मुखी बिरती नूं धारण करके दौड़दा रहिंदा, वाहिगुरु जी दे सिमरन द्वारा ही, मन बाणी शरीर दे सिमरन करके ही, मन बाणी शरीर करके सतगुरु जी दे अगे आपा भाव नूं समर्पित करने करके ही तिन्हां दा मन समझिया है। इसी जिहा अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे गुणा नूं ते परोपकारा नूं तिन्हां ने समझिया है। गुर प्रसाद तत सब बुझिया, गुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल, गुरु की कृपा द्वारा, गुरु की कृपा राही
साध संगत जी गुरदे अर्थ बेअंत ने, गुरदा अर्थ है वड्डा। इसे प्रकार गुरदा अर्थ है पूजनीक, गुरदा अर्थ है चेतन स्वरूप। गुरदा गो नाम अज्ञानता दा, रू नाम प्रकाश दा। अज्ञानता दे हनेरे नू मेट करके सच दा प्रकाश कर जाने वाला। गो नाम है निगल जाना, खा जाना, खान तो भाव है खत्म कर देना। जो अज्ञानता दे हनेरे नू खा जावे, भाव खत्म करके सच दा प्रकाश कर देवे, सो कहया जांदा है गुरु। इसे प्रकार गिर नाम है पहाड़ दा, ते गिरी धातु तो यह गुरु शब्द बनया है। जिवें पहाड़ कितनी हनेरी आ जावे, हवा आ जावे, हिल रहिंदा कदे हिलदा नहीं। सुमेर पर्वत है, कितने दुनिया ते झखड़ आए, तूफान आए, बिल्डिंगां ढह जांदियां ने, मकान डिग जांदे ने, दरख्त जड़ों पुटे जांदे ने, पर कदे किसे ने सुनिया कि सुमेर पर्वत अपनी जगह तो एक इंच भी हिल गया होवे। जिवें पहाड़ अडोल है, इवें सतगुरु जी दी चरणा दी शरण विच आउण वाला अडोल हो जांदा है। जिवें पहाड़ दे आसरे हनेरियां तो बचिया जा सकदा है, विपता तो बच जाईदा है, इसे प्रकार गुरु दे आसरे दुखां दीयां विपता ते हनेरियां तो बच जाईदा है। ते प्रसाद पर स्वाद, जो स्वादा तो रसा कसा तो परे भाव आनंद स्वरूप है। प्रसाद तो भाव है कृपा, जो कृपा करने वाला है। सो इसे प्रकार प्रसाद ददे नू सिहारी है, गुर प्रसाद पप्पे दे चरण विच रारा है। व्याकरण दे अनुसार पप्पा अखर अद्धा बोलिया जाएगा ते रारा पूरा बोलिया जाएगा। नन्ने अखर नू छड करके बाकी किसी भी अखर दे चरण विच रारा आ जावे, अखर दी आवाज अद्धी रह जांदी है ते चरण वाला रारा पूरा बोलिया जांदा, इस करके बोलिया जाएगा प्रसाद। ते जो ददे नू सिहारी है, उसका अर्थ है नाल, राही, द्वारा, भाव सतगुरु जी की कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। सतगुरु जी की कृपा नाल मिलदा है, सतगुरु जी की कृपा राही मिलदा है। जिस वेले गुरप्रसाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी बख्शिश कर देंदे ने, कृपालता कर देंदे ने, रहमत कर देंदे ने, तत सब बूझिया, सब किश स्थान ते, सब किश जीवा दे अंदर, सब किश काल दे अंदर, ते वाहिगुरु जी ने ही बुझना कीता है कि सबना दे अंदर जोत रूप हो करके वाहिगुरु जी वसे ने। सबना दा आसरा रूप वाहिगुरु जी ने, सबना दा अधिष्ठान रूप वाहिगुरु जी ने। ये अपने आप समझ नहीं आउंदी। जिस वेले मन समझ गया गुरु उपदेश द्वारा, सतगुरु जी दी गुरु प्रसाद हो गई, ते सतगुरु जी दी कृपा दे राही तत सब बूझिया, ते तत सब किश दे मालिक तत सिद्धांत नूं सार रूप परमेश्वर जी नूं बुझिया जान लेना कीता है। इसे प्रकार जो सबना दा तत मूल है, मुढ रूप है, इस नूं जाणिया है सतगुरु जी दी बख्शिश दे नाल। जब देखो तब सब किश मूल, सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बचन करना करदे ने, जब देखो, साध संगत जी पाठ ऊड़े दे नाल है, ददे ला खखा ऊड़े औकड़ देखो, देखो दा भाव है देखो, मैं देखदा हां, ते जे हाहे दे नाल पाठ होवे देखो, फिर अर्थ बनेगा तुसी देखना करो। ऊड़े दे नाल पाठ हजूर फरमावना करदे ने, जब देखो, जदों जदों मैं देखना करदा हां, जिस दे वल भी देखना करदा हां, तब सब किश मूल, तब तिस वेले जानना कीता सबना दा मुढ स्वरूप परमात्मा ही है। सारे जीव परमात्मा तो उत्पन्न होए ने। जिस वेले संकल्प करना कीता एक तो अनेक रूप हो जावां, ते बेअंत जीव ते इस तो उत्पन्न हो गए। जितना पसारा है सारा ओंकार शब्द उच्चारण करके वाहिगुरु जी ने कर देना कीता। इस करके जितने भी शरीर ने, आकार ने, चाहे तारे ने, सूरज है, चंद है, आकाश है, पताल है, ब्रह्मांड ने, सागर ने, सब कुछ वाहिगुरु जी तो उत्पन्न होया है। वाहिगुरु जी सबना दा मूल ने, मुढ ने। ते पातशाह जी फरमावना करते ने, सिखो, असी जदों जदों भी देखना करते हाँ जिस जिस भी वस्तु नू, हर एक वस्तु का मुढ वाहिगुरु जी इस दे विचों नजर आउंदा है। हर एक वस्तु का मूल ओ परम पिता परमात्मा वाहिगुरु आप ही है। नानक सो सूखम सोई अस्थूल, ते हजूर पातशाह फरमान करना करदे ने, स्थूल शरीर जेड़े पांच तत्तां दे उन्हां दा आसरा भी आप, इस दे अंदर जेड़े सूक्ष्म शरीर ने उन्हां दा भी आसरा आप। इसे प्रकार कीड़ी इत्यादिक जेड़े सूक्ष्म जीव ने उन्हां दा आसरा भी वह आप है, उन्हां दा मूल भी आप है। स्थूल डायनासोर वर्गे, हाथी वर्गे, ऊठ जराफ वर्गे जेड़े वड्डे वड्डे जानवर ने, उन्हां दा आसरा भी वह आप है, ते उन्हां दे अंदर भी जोत तिस दी अपनी ही है। इसे प्रकार साध संग जी सूक्ष्म तत् जेड़े नजर नहीं आउंदे, जिवें ये दृष्टमान संसार है, शरीर ते आकार नजर आउंदे ने,
एक अदृष्ट संसार है जिस दे आकार तत्तां दे ना बने होण दे कारण नजर नहीं आउंदे। कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच भूत प्रेत जिन देव त्यादक सानू नजर नहीं ना आउंदे। सतगुरु जी ने बड़िया थावां ते उधार किया इन्हां दा। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी ने औरंगजेब की हवेली विचों उधार किया। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बठिंडे दे किले विचों कढ़ना किया। इसे प्रकार सरहंद भेज देना किया। श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने गोइंदवाल साहब नगर वसाया ही तां सी उन्हां सभना नूं भजा करके कढ़ करके क्योंकि तिन्हां नूं नजर आउंदे सन। गरीब निवार साहब जी फरमान करना करदे ने सूक्ष्म सृष्टि। इसे प्रकार जिहड़ियां देव रूहां ने उह किहड़ियां नजर आउंदियां ने, पवित्र रूहां ने तां वी किहड़ियां नजर आउंदियां ने, उह सूक्ष्म शरीर ने। हजूर फरमावना करते ने इस प्रकार सारी जितनी सूखम सृष्टि ना दिसन वाली है ते सथूल शरीरां वाली जितनी भी सृष्टि है सारिया दा मुढ हरि अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही है। हजूर फरमाउंदे ने सबना दा अधिष्ठान रूप वो आप है, सबना नू उसने आप ही धारण किया है, सारे उसके अपने ही आसरे ने, चाहे सूक्ष्म ने चाहे सथूल हन। नह किछ जन्म नह किछ मरा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज, ये जम्मण मरण दा गेड़ा मिटदा नहीं, सदा बनिया रहिंदा है। ये जीवां दे जम्मण अते मरण दे वास्ते आप जी दा की नजरिया है, हजूर आप जी दा की विचार है, कृपालता करके दसना करो। ते पातशाह जी फरमान करना करदे ने वास्तव स्वरूप दे विच जैसा सा तैसा दृष्टाया, जैसा परमात्मा है जदों तैसा दा तैसा उसनू देखदे आ ते फिर असीं तकदे हां नह किछ जन्म है नह किछ मरै, ना कोई जमदा है ते ना कोई मरदा है। पंज तत्तां नू इकट्ठा कीता, पुतला बनाया ते विच अपना निवास कर लिया आत्मा रूप हो करके। आत्मा विचों निकल गई, हुण ना आत्मा ने जन्म लिया ते ना आत्मा दी मौत होई है। ये शरीर पंज तत्तां दा बनिया सी, पंज तत्त मिले ते पुतला बन गया, पंज तत्त फिर तत्तां दे विच मिल गए ते शरीर दा भाव हो गया, ना कोई जमया ते ना कोई मरिया। जिहड़ी धरती तों मिट्टी शरीर नू लगी है तत्तां करके, हवा पानी अग आकाश इत्यादि, आकाश आकाश दे विच मिल जांदा है, हवा हवा दे विच मिल जांदी है, अग्नि अग्नि दे विच मिल जांदी है, पानी भाफ रूप हो करके पानी विच मिल जांदा है, ते मिट्टी दा तत्त मिट्टी विच मिल जांदा है। फिर मरिया कौन है? जिथों तत्त पैदा हुई सी तत्त उत्थे ही तत्तां दे विच वापस चले गए, वापस समा गए। ते इसे प्रकार जिहड़ी वाहिगुरु जी दी जोत है उह सृष्टि दे अंतकाल वाहिगुरु जी दे विच ही जा करके मिलदी है। सानू नजर आउंदा है शरीर जमदे ने ते मरदे ने क्योंकि असीं स्थूल सृष्टि नू देखदे आ, स्थूल शरीरां नू देखदे आ। ते जदों सूक्ष्म नू तकना कीता ते ना कुछ जमया ते ना कुछ मरिया, भावें कि सारी सृष्टि वाहिगुरु जी तों उत्पन्न होई है, अंतकाल तिस दे विच ही जा समाउणी है। विद्वान जना दा विचार है चार प्रकार दीआं परलो हुंदीआं जदों सृष्टि दा नास हुंदा है। नित परलो जिहड़ा रोज सौणा, इह नित दी परलो है। निमित परलो जदों मनुख दे शरीर दी आरबला खत्म हो जांदी है, परालब्ध मुक जांदी है, शरीर करके मरदा है, उह निमित परलो है। इसे प्रकार साध संगत जी अवंतर परलो, जिस वेले धरती समुंदर दे विच पानी विच डुब जांदी है, 42 लाख जीव पानी वाले बच जांदे ने ते 42 लाख स्थूल शरीर धरती दे उपर वसने वाले मर जांदे ने। इसे प्रकार महापरलो, जदों महापरलो हुंदी है फिर कुछ भी नहीं बचता। धरती आकाश तारे सूरज देवत्यां दीआं पुरियां, इथों तक कि वेदांत वाले भी मनते हैं कि ब्रह्मा शिव जी ते विष्णु सारे अभाव हो जाते हैं, सारे मर जाते हैं। फिर जितनी भी सृष्टि है जिवें धरती जिहड़ी है इह जल दे विच पाणी दे विच समा जाती है, पाणी दे अंदर जिहड़ी अग्नि हुंदी है उह पाणी नूं सोख लैंदी है, पाणी अग्नि विच समा जाता है, अग्नि आखर जिहड़ी है उह पवन दे विच समा जाती है, जो पवन हवा है आकाश दे विच समा जाती है, जो आकाश है वह माया दे विच समा जाता है, ते माया तिल स्वरूप हो करके फिर परमात्मा दे विच ही समा जाती है। जदों सारे जीवां दे कर्म फल देण तों अभाव हो जाते ने, फल नहीं देंदे, फिर इस प्रकार महापरलो हुंदी है। ते हजूर फरमावना करदे ने सारी सृष्टि जिथों पैदा हुंदी है ना अंतकाल, फिर सारी तिल रूप हो करके उसे दे विच ही समा जाती है। ते जैसा वाहिगुरु जी का वास्तव स्वरूप है तैसा सबना दे अंदर जोत रूप हो करके वस रहा है। जदों इस नूं देखदे हां निरणा करदे हां ते तकदे हां सब कुछ वाहिगुरु दे स्वरूप ने, उस तों पैदा होए ने, चाहे करोड़ां साल भ्रमण करदे रहन अंतकाल सारे वाहिगुरु जी विच समा जांदे ने। इस करके ना ही कुछ जमदा है ते ना ही कुछ मरदा है, ये तां आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया।
बच्चे खेडां नूं खेडदे ने ना मिट्टी दा घर बनाउंदे ने दीवारां बनाउंदे ने कंधां बनाउंदे ने मकान बनाउंदे आ पेटा दिंदे ने जिवें बालक ने घर बनाया ते ढा दिता मन दी मौज दे नाल खेडिया कुछ समा बस खेड खेडीए समेट दिती सारा जगत संसार वाहिगुरु जी दी खेड है आप ही संसार रूपी खेड नूं खेड करके बना करके वाहिगुरु जी मेट देना करदे ने इस करके वास्तव स्वरूप जदों ब्रह्म लेष्टी होकर के तकीए हजूर फरमावना करदे ने फिर असीं तकना करदे हां जदों असीं देखना करदे हां ते भाई ये नजरी आउंदा है ना ही कोई जमदा है ना ही कोई मरदा है वाहिगुरु जी दी आग्याकारी माया दे विच रह करके सारा संसार उसे दी बनाई हुई खेड नूं ही खेड रहा है आपन चलित आप ही करे ए वाहिगुरु जी दा चलित्र है कौतक है ते वाहिगुरु जी अपने चलित नूं अपने कौतक नूं आप ही कर रहे ने सबना जीवां नूं पैदा देना तिन्हां दे करता भरता पोषण करना पालना ते हरता आप ही ने सारी खेड नूं खेडण वाले आप ही हन सबना दा मूल भी आप अधिष्ठान रूप भी आप ते अपने चलित्रा नूं कौतका नूं करन वाले वाहिगुरु जी आप ही हन आमन जामन दृष्ट अंदृष्ट जितनी भी सृष्टि दृष्ट दृष्टमान है दिसन वाली है ते जितनी भी अनदृष्ट देखण तो बाहरी है भूत इत्यादक पवित्र रूहां इत्यादक देव रूहां इत्यादक यह जिहड़ी सारी सृष्टि है ये नजर विच नहीं आउंदी हजूर फरमाउंदे हन दृष्टि आउण वाली सृष्टि दृष्टि तो रहत सृष्टि जिन्नी दा भी आउणा अते जाना है आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ट सारी सृष्टि वाहिगुरु जी दी आज्ञाकारी हो रही है ते सारी सृष्टि नूं वाहिगुरु जी ने आप धारी टिका करके रखिया है अपने हुक्म दे नाल चेतन दे नाल सत्ता दे नाल साइंटिस्ट भी मनदे ने जेड़ा पानी दा भाग है ये लगभग 70-71% है ते जिहड़ी धरती है 29-30 कु हिस्से है कुछ ने 29 कुछ ने 30 मन्निया 30 मन लो कि 70% पानी है 30% धरती है पर जिहड़ी धरती है ते जल दे उपर ही ना डुब रही है ना खुर रही है किते भी बोर करके थल्ले पानी कढ लिया जांदा है पानी दे उपर धरती थल्ले पानी है तां ही आ रहा ना पानी दे उपर धरती इवें तैर रही जिवें लस्सी विच मक्खन तैरदा पर डुबदी नहीं क्योंकि वाहिगुरु जी ने टिकाई है अग झाटी पानी नूं सोक लैंदा है शरीर दे अंदर अग्नि भी है ते डॉक्टर मानदे ने 70% भाग पानी दा है शरीर दे विच पर शरीर दी अग्नि खादे होए भोजन नूं हजम करदी है पचाउंदी है जल नूं सोखदी है पर जिहड़ा 70% पानी दे अंदर है उस नूं नहीं सोखदी विरोधी भाव दे तत् इक जगह ते टिका रखे ने इह वाहिगुरु जी दी आग्याकारी माया दे जरिए है पातशाह जी फरमावना करदे ने जो वाहिगुरु जी दी माया है वह आग्याकारी है ते इस प्रकार वाहिगुरु जी ने माया द्वारा ही सारी सृष्टि नूं धारण करके टिका करके रखिया है जितनी भी अनदृष्टि वाले जीव हन भाव नजर विच नहीं आउण वाले तिन्हां नूं भी वाहिगुरु जी ने माया द्वारा माया दे तीन गुणा रजोगुण तमोगुण सतोगुण द्वारा टिकाया है जिहड़े नजर आउंदे ने तिन्हां नूं भी माया दे तीन गुणा द्वारा ही टिकाया है जिहड़ा तिन्नां गुणा तो उपर उठदा है वह फिर वाहिगुरु जी नूं मिलदा वाहिगुरु जी का रूप हो जाता है महाराज फिर जम्मण मरण बनिया किवें हजूर फरमावना करते ने दृष्ट अनदृष्ट वाहिगुरु जिन्हां नूं सभना दे अंदर नजर नहीं आउंदा अनद्वैत भाव वाली जिन्हां दी दृष्टि हो गई वह द्वैत भाव ना करके जानते ने कि लोग जम रहे ने मर रहे ने पर जे द्वैष भावन वाली दृष्टि का त्याग किया जाए फिर नजर आउंदा है ना कोई जमदा है ना कोई मरदा है ना कोई आउंदा है ना कोई जांदा है ये तो सारी वाहिगुरु जी की खेड है ते वाहिगुरु जी ने माया नूं आग्याकारी बना करके संसार रूपी चरित्र आप करना कीता है सारे जीवां नूं आग्याकारी बना करके भाव हुक्म दे अंदर रख करके धारी सब सृष्ट सारी सृष्टि नूं आप धारण कीता है टिकाया होया है आपे आप सगल मह आप अपने आप तो सारा पसारा करके वाहिगुरु जी ने ते सारिआं दे विच अपना निवास आप ही करना कीता है सभना दे अंदर आप ही वस रहिआ सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई सब मह जोत जोत है सोए जोत रूप हो करके आप ही सबना दे अंदर वस रहे हन जी वाहिगुरु अनेक जुगत रच थाप थाप अनेका ही जुगतियां दे नाल सृष्टि नूं थाप उथापना कीता सिरजना कीती है ते फिर आप ही उथाप सृष्टि नूं नाश करने वाला है करता भी आप भरता भरण पोषण करने वाला भी आप
तिहारता आप नाच करने देने वाला भी वाहिगुरु आप है। वख वख जुगतियां बनाईया ने ना पैदा करने दिया, चार खानिया बना करके चिचड़ चम जूआ जूआ लीखा तखा इत्यादिक मुड़के तो पैदा कर दतिया। इसे प्रकार बीजा तो बनस्पति कै पैदा कर दिती, जेर तो मनुख ते जानवर पैदा कर दते, ते पंछी सारे अंडिया तो पैदा कर दते। इस प्रकार वख वख जुगतियां बना करके अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी। सो अंडज जेरज सेतज खानी बना करके बहरों उत्पुज खानी तिना की पालना वास्ते भी वाहिगुरु जी ने बना बना की अनेक जुगतियां दे नाल आप ही सृष्टि नू रच करके ते वाहिगुरु जी आप ही सृष्टि नू फिर नाश कर देंदे ने। जिवें बालक मिट्टी दा घर आपे बना करके आपे ढा देंदा है, आपे सबना दी रचना करके आपे सबना नू वाहिगुरु जी मिट देंदे हन जी। अविनाशी नाही किछ खंडा, ते जो वाहिगुरु आप है अविनाशी है, अविनाशी नाश तो रहत है। आप वाहिगुरु जी दा कदे अभाव नहीं हुंदा, काल भी तिस दे अधीन है, काल दा तिस दे उपर किसे प्रकार सो प्रभाव नहीं पैंदा। इसे करके तिस दा नाम है अकाल, जो काल तो रहत है। नाम है अविनाशी, जो नाश तो रहत है। हजूर फरमावना करदे ने ना ही किश खंड, जिवें पृथ्वी दे नौ खंड ने ना, नौ टुकड़े नौ हिस्सों विच कही जांदी है। जो वाहिगुरु इतना विशाल अते वड्डा है, वह खंड इत्यादिक दी गिणती मिणती तो भी रहत है। इसे प्रकार खंड तो भाव हुंदा टुकड़ा। सूरमे मैदाने जंग दे अंदर लड़दे ने, पुरजा पुरजा कट मारिया कबहू ना छाडा खेत, कटे जांदे ने टुकड़े टुकड़े हो जांदे ने। पर वाहिगुरु जिहड़ा अखंड है, इस नूं कटिया नहीं जा सकदा, छेदिया नहीं जा सकदा, टुकड़िया दे विच वंडिया भी नहीं जांदा, ते पृथ्वी वांगू भी खंड इत्यादिक दी गिणती दे विच नहीं आउंदा है। नाश तो रहत है, तो कटन तो भी रहत है जी। धारण धार रहो ब्रह्मांड, आप ही धारने वाला हो करके सारे ब्रह्मांड नू धार रहा है। भाव ब्रह्मांड नू पैदा करके आप ही टिका रखिया है, सारे जीवा नू टिका रखिया है। थाओ थाई सिरा सिर धंधा लाए दा, सिरा सिर धंधे भी आप ही लाउंदा है। सबना दे अंदर अपनी जोत नू भी तिसने आप ही टिका करके रखना कीता है जी। आत्मा रूप साखी चेतन रूप दे विच अलख अपेव पुरख परताप, गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी, ऐसा वाहिगुरु कितनिया कु शक्तियां वाला है, तिसदा तेज प्रताप कितना क है। हजूर फरमावना करदे ने अपेव जो भेद तो रहत पुरख स्वरूप परमात्मा है ना, तिसदा जो प्रताप है वह अलख है, लख्या नहीं जांदा, तिसदा प्रताप कुछ कथन विच नहीं आउंदा, जाणिया नहीं जांदा। जो वाहिगुरु अलख अशुद्ध मन करके ते गुरु की कृपा तो बिना लख्या नहीं जांदा, अभेव है, तिसदा कोई भेद नहीं पा सकता। पुरख पु रख, पु नाम नरकां दा, रख नाम रख्या करने दा, नरकां विच पैण तो रख्या करदा है। पुरख जो देवतियां दीआं पुरियां हन तिन्हां नूं भी खै नाश करने वाला है। इसे प्रकार पुरख रूप है, दस गुरु साहबान जी दे स्वरूप दे विच भी पुरख रूप होए ने वाहिगुरु जी। इस प्रकार पुरख रूप है, सो तिसदा कितना ज्यादा प्रताप है, कितना प्रचंड तेज है, वो कहण विच नहीं आउंदा, जानिया नहीं जांदा है। आप जपायत नानक जाप, हे गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी, ऐसे वाहिगुरु जी दे नाम नूं जपदे कौन ने, ते पातशाह जी फरमाउंदे ने आप जपाए। जिन्हां नूं वाहिगुरु जी सरगुण स्वरूप हो करके गुरु रूप हो करके मिलदे ने ते अपने नाम दा जाप आप जपाउंदे ने ना, वाहिगुरु जी कृपालता करके गुरु रूप हो करके ता नानक जाप ओ दुखां तो रहत स्वरूप वाहिगुरु जी दे नाम नू जपदे ने। सो इस प्रकार सतगुरु नानक देव साहब जी भाव पंजवें नानक गुरु अर्जन देव साहब जी फरमाउंदे ने, भाई जिस नू अपना नाम आप जपावे उही जपदे ने। इसे प्रकार व्याकरण दे अनुसार हर अखर दे विचों ऐड़ा अखर अथवा ऐड़े दी आवाज निकलदी है। पहला जेड़ा नन्ना है ये पुरखवाचक है, जिवें ईड़ी इस्त्रीवाचक है ना, पुलिंग है जो नन्ना है, सो इसे प्रकार जो ईड़ी है इस्त्री लिंग है, जो नन्ना है वह पुलिंग है, पुरशवाचक है। पहला नन्ना पुरशवाचक हो गया, जो करता पुरख पुरख रूप दे विच है, ते कन्ने दे विचों साध संगत जी ऐड़ा निकलेगा, कन्ने चो ऐड़े दी आवाज आई ते अगे नानक वाला दूसरा नन्ना है, बन गया ऐड़ा नन्ना अन। फिर नन्ने दे विचों ऐड़े दी आवाज निकलेगी ते तीसरा नानक दा खर है कक्का बन गया अक। भाव जो पुरख स्वरूप है ते अन अक दुखां तो रहत है, जिस नूं किसी प्रकार का कोई दुख नहीं व्यापदा है, सदा आनंद स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप वाहिगुरु परमात्मा है,
जिस नूं आप कृपालता करके गुरु रूप होकर के अपना नाम जपाउंदा है उही उह तिस दे नाम नूं जपदा है। आप जपाए ता नानक जाप, वाहिगुरु जिस दे उपर कृपालता करदे ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे बख्शे हुए नाम गुरमंत्र नूं उही उही जपदे ने। नहीं तां को हन्ने दी को बन्ने दी को पहाड़ां वाले रन्ने दी को ढोल ढमाका सरवर दा खुआर तां बड़े हुंदे फिरदे ने, पर जिन्हां दे उपर सतगुरु जी कृपालता करदे ने भूले मार्ग जिन्हे बताया ऐसा गुरु वडभागी पाया, जिन्हां भुलिया होया नूं मार्ग ते पा दिता, रस्ते पा दिता, सीधे रस्ते पा दिता, हरी अकाल पुरख जी ने पूरे सतगुरु जी दे नाल मिला दिता ते फिर पूरा सतगुरु हो करके अपना नाम जपावना कीता सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही ओही प्यारियो पूरे सतगुरु जी दे पावन गुरु उपदेश दे सदका वाहिगुरु जी दे नाम नूं जपना करदे ने। ऐसा वाहिगुरु जी दा नाम सारे डर नूं मेट देण वाला, मन नूं टिका देण वाला, पदार्थां दा दाता है, जम्मण मरण तों मेटण वाला है। वाहिगुरु जी दे नाम दा सिमरन जर्रे जर्रे दे अंदर परमेश्वर जी दा निर्गुण स्वरूप दिखावने वाला है ते प्रतख दीदार करावने वाला है। ऐसे नाम नूं ही सदा सदा जपना बनदा है जिस दे नाल लोक सुखी है परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले दी दात प्राप्त हुंदी है। समय दी समाप्ति है जी। कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज साहिब जीओ आप जी दे पावन सचखंड दरबार विखे आप जी दी पावन गुरबाणी दी कथा करदिया होईयां बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा अग्गे वास्ते समत बख्शनी, सतगुरु जी दी संगत ने कृपालता करके खिमा अग्गे वास्ते समत बख्शनी, गुर चरणा विखे अरजोई करिए गरीब निवाज अपने पावन उपदेशां नूं कृपालता करके साडे हिरदिआं दे अंदर वसा देवो, सिखी प्रेमा भगती करदिआं केसा सुआसां दे संग निभ जावे। अरदासां बेनतीआं सतगुरु जी प्रवान करनीआं, दो पंक्तियां पढ़ करके समाप्ति है जी। अलख अभेव पुरख परताप, आप जपायत नानक जाप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, हह भी होवन हार। हे संत कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दसरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दी जय नाम दान, राखो हिया परोई। आई प्रभ सरनागति, कृपा निद दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो सरदा कर सेव दे, गुर पार उतारन हार। कथा नेता प्रात होत है, सुनो सो सिंह सुजान। नानक गुरु गोविंद सिंह जी, सदा कर कल्याण। नानक गुरु गोविंद सिंह जी, सदा कर कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज के जयकार जावे, सो निहाल जावे। सत श्री अकाल, गुरु बर अकाल, देग तेग फतेह। गुरु पंथ खालसे दी दिना दिन, चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज। वाहिगुरु जी की फतेह।